ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेंट। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार तत्काल टिकट बुक किए होंगे, लेकिन तत्काल टिकट बुक करते समय आप लोगों को कई बार तत्काल कोटा में यानी कि वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक हो गया होगा। तो आप लोग उसे कैंसिल कैसे कर सकते हैं, या फिर चार्ट प्रीपेड होने से पहले यदि टिकट कन्फर्म नहीं होता है तो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, यदि आप लोग इंटरनेट के माध्यम से टिकट बुक किए होंगे तो। तो आज के वीडियो में लाइव टिकट कैंसिल करके दिखाने वाला हूँ, टिकट कैंसिल करने के बाद कितने रिफंड मिलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सिंपल आप लोगों को IRCTC लॉगिन कर लेना है। यदि आप लोगों ने IRCTC के वेबसाइट से टिकट बुक किए हैं तो वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक किए हैं तो आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक किया था, यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जिस यूज़र ID से आपने टिकट बुक किए होंगे उस यूज़र ID को आपको लॉगिन करना होगा। तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। सिंपल माई बुकिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद इस ID में जितने भी टिकट आप लोग बुक किए होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जिस टिकट को आपने कैंसिल करना है सिंपल उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है, और इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले करेंट स्टेटस चेक कर लेते हैं। मैंने करेंट स्टेटस चेक किया हूँ तो आप देख सकते हैं 32, 33, 34 वेटिंग अभी भी चल रहा है। ये टिकट के कन्फर्म होना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इस टाइम बिहार से आने में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। सिंपल मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कैंसिल टिकट। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बॉक्स पे क्लिक करना है, जितने भी नाम का टिकट है सारा मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद सिंपल हमें कैंसिल पे क्लिक करना है। इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा टिकट कैंसिल हो जाएंगे। यदि आपने स्लीपर क्लास या फिर 2S क्लास में वेटिंग टिकट कैंसिल करते हैं तो आप लोगों को ये पर पैसेंजर 60 रुपये चार्ज काट के बाकी के पैसे आप लोगों को रिफंड कर दिए जाएंगे। बस आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।